अभी भी मौका एक गया बाकी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जवाबदारी संभालना पड़ेगा। आगे चलो। आज के आधुनिक और चकाचौंध वाली दुनिया में लोग विवाह के लिए सुंदर लड़की ढूंढने कई वर्ष तक इंतजार करते रहते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं। किंतु मध्य प्रदेश में एक युवक ने विकलांग युवती से शादी कर एक अलग ही उदाहरण पेश किया है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गायत्री परिवार के मंदिर में एक अनोखा विवाह देखने को मिला। ग्राम इमलावदा निवासी वीर सिंह रघुवंशी जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने पैर से दिव्यांग सरोज कुशवाहा के साथ सात फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। अब इस विवाह की हर कोई तारीफ कर रहा है। गायत्री परिवार में हुई शादी में वर वधु दोनों ही परिवार के सदस्य मौजूद रहे। सभी की सहमति से यह व्यवहार सम्पन्न हुआ। दुल्हा बने वीर सिंह का कहना है उन्होंने अपनी मर्जी और पूर्ण निष्ठा के साथ यह शादी किया है। पत्नी के दिव्यांगता से उन्हें कोई परहेज नहीं है। वीर सिंह ने दूसरों को भी आगे आकर ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। परिवार के सदस्यों का कहना है कि शादी से पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, एक दूसरे को पसंद करते हैं, दिव्यांगता उनके जीवन में किसी प्रकार से आड़े नहीं आएगी। मंदिर के पुजारी प्रेम नारायण का कहना है उन्होंने कई विवाह सम्पन्न कराए हैं, लेकिन इस प्रकार का विवाह पहली बार हुआ है, जो अंतरजातीय विवाह होने के साथ साथ एक दिव्यांग जीवन सुधारने के लिए युवक ने विवाह किया है। अभी भी मौका एक गया बाकी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जवाबदारी संभालना पड़ेगा। आगे चलो। ओम भगवान।